परासिया कांग्रेस विधायक और इंटक अध्यक्ष सोहन वाल्मीक और परासिया विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम अनुविभागीय अधिकारी परासिया को और पेंच क्षेत्र महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। परासिया विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा भाग WCL विकोली का है, जहां कुछ स्थानों पर कोयला खदान संचालित है और बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहां कई वर्षों से कोयला खदानें बंद हो चुकी हैं। हाल ही में पेंच क्षेत्र महाप्रबंधक परासिया के द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र बेकोली की लीज भूमि में निवास कर रहे हैं। हजारों आमजन को इन भूमि से हटाने और बेदखल करने का पत्र अनुविभागीय अधिकारी को राजस्व परासिया को लिखा है। इसमें 100 से अधिक पेंच क्षेत्र परासिया में कोयला खदान में संचालित हैं और इतने ही वर्षों से इस भूमि पर इस तरह से लेकर आमजन अपनी रोजी रोटी चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि जिस भूमि के खसरा के बेकोली के पत्र में है, इन स्थानों पर कोई भी कोयला खदान प्रारंभ नहीं है और ना ही WCL की नई खदानें निकालने खोलने की योजना है। हम पिछले 3 वर्षों से इस भूमि में निवास कर रहे हैं। आमजन को जमीन का अधिकार देते हुए राज्य सरकार से पट्टे दिए जाने की मांग कर रहे हैं और बकोली ऐसी जितनी भी भूमि है जहाँ पर आम जनता कई वर्षों से निवास कर रही है, उन सभी भूमि को वकोली की लीज समाप्त करते हुए राज्य सरकारें ऐसी भूमि को हस्तांतरित कर राज्य सरकार अपने कब्जे में लेकर आम जन को पट्टा वितरण करें। कांग्रेस परिवार इंटक परिवार ने इस बात का विरोध किया है कि जो अनुचित कार्रवाई है, इस अनुचित कार्रवाई का हम सख्त विरोध करते हैं। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ 100 वर्षों से अधिक कोयला खदानें संचालित है, पिछले 100 वर्षों से अधिक जो लोग हैं वहीं निवास कर रहे हैं, और अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई WCL को कि ये मकान खाली कराने को जगह खाली कराने की बात करने लगे, जबकि कोई नई परियोजना नहीं आ रही। यदि कोई नई परियोजना आ रही है तो महाप्रबंधक हमको ये बताएं कि इस कारण से हम लोग ये नोटिस जारी कर रहे हैं। जब कोई परियोजना नहीं है, जब कोई बात नहीं है, तो इस तरीके की तानाशाही रवैया अपना के क्यों खाली करने की बात की जा रही है। और दुख इस बात का है कि भारतीय मजदूर संघ जो यहाँ पर काम करता है ट्रेड यूनियन के काम से, उनके महामंत्री ये बोलते हैं कि जो WCL कर रहा है वो उचित कार्रवाई कर रहा है। तो इनकी सोच में हमको समझना आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय मजदूर संघ की सोच एक ही विचारधारा है कि हमारे क्षेत्र को जानना चाहते हैं।